स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। वायर का मास 200 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, सो 200 अपॉन 1000 केजी, दैट मींस 2 अपॉन 10 केजी। लेंथ 1.5 मीटर और करंट है 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो वायर है ये स्ट्रेट वायर, ये सस्पेंडेड है मतलब रेस्ट पर है और एयर में है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता नहीं है। सो जो वायर का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा। अब उसको कौन बैलेंस करा? कोई ना कोई फोर्स तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है। सो ये वायर और इसका वेट लेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स एफ। अब मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल? एम जी। मैग्नेटिक फोर्स आई बी एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है ना, डायरेक्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस मैग्नेटिक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए तभी तो बैलेंस करेगा। अगर इधर हो गया तो वायर आगे मूव कर जाएगा, कंपोनेंट तो बैलेंस कर लेगा लेकिन रिजल्टेंट इधर को हो जाएगा। तो ये सस्पेंडेड है मिड ईयर में। सो आई बी एल साइन थीटा इक्वल टू एम जी। यहां पर थीटा की भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन, जो वायर की लेंथ है, करंट के अलोंग जो करंट एलिमेंट है तो वो गिवन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर लेंगे परपेंडिकुलर, मतलब जो वायर की लेंथ है मतलब करंट की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर, और हॉरिजॉन्टल या तो आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा वो पूछा नहीं है। सो साइन 90, क्योंकि अगर 90 डिग्री होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड कम से कम लगाना पड़ेगा हमें, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। सो आई टू मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू फाइंड, लेंथ 1.5, साइन 90 इज इक्वल टू मास 2/10 और जी 9.8 ले लेते हैं। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 10 भी यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। साइन 91, सो ये हो जाएगा 3b इक्वल टू, या 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, सो 1.5b इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 10, सो बी इज इक्वल टू 9.8, 10 इंटू 1.5 15, सो 9.8 अपॉन 15 इसको डिवाइड करेंगे तो ये नियरली आएगा 0.65 टेस्ला, 0.6533 कुछ करके आएगा, सो 0.65 टेस्ला।